मूवी की शुरुआत में हम एक एक्टर को देखते हैं जो कि अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर एक शूटिंग होने वाला था, लेकिन उसके लिए वो एक्टर अपने रोल का प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पे वो एक्टर को एक प्रीस्ट का रोल मिला था जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम नोटिस करते कि जो उसका स्क्रिप्ट था वो बार बार भूल जा रहा था। वो एक ही लाइन को याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लाइन उससे याद होता नहीं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो जाती है। लेकिन वो एक्टर अभी तक वो सेट से गया नहीं था, उसे किसी भी हालत में कल सुबह तक पूरी तरीके से तैयार होना था। तो इसलिए हम देखते कि वो एक्टर बहुत ही मेहनत से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके आसपास है। वहाँ पर उसे एक काफ़ी स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी फील होता है, और ठीक उसके दूसरी पल हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक इनविजिबल एनर्जी आके उसे जान से मार देती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो मूवी ये लोग शूटिंग कर रहे थे उसका नाम था द एग्जोरिस्ट, और यहाँ से हमें हिंट मिल गया था कि ये मूवी शायद एक कर्स मूवी है। खैर, इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक इंसान के ऊपर जिसका नाम था एंथनी। बात करें एंथनी की तो वो एक नशेड़ी था, और उसके कारण थी उसकी वाइफ। यानी कि हमें यहाँ पर एंथनी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताया जाता है। हमें पता चलता है कि जो उसकी वाइफ थी, एक दिन अजीब तरीके से उसकी मौत हो गई, और उसके वाइफ की मौत के बाद वो अचानक से पागल सा हो गया। वो बस अपने गम को मिटाने के लिए नशा करने चालू कर दिया, जिसके बाद उसे लगभग 10 साल लग चुके इस नशे से बाहर निकलने के लिए। मतलब कि वो एक रिहब सेंटर में था ये सभी नशे से मुक्त होने के लिए, और अब वो नॉर्मल से लाइफ में वापस आ चुका है। और इसी बीच हम वहाँ पर ली नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एंथनी की बच्ची थी। लेकिन अब वो अपने डैड को डैड मानती नहीं, उसकी नज़र में उसके डैड कुछ नहीं थे। जब उसकी माँ मरी थी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके डैड की थी, लेकिन तभी उसके डैड ने उसके बारे में ज़रा भी सोचा नहीं था। वो बस अपने गम को मिटाने के लिए दिन रात नशे में डूबे रहे। उसके बेटे का क्या हुआ और वो कहाँ पर है, उसके बारे में उसके डैड ने एक बार भी सोचा नहीं था। तो इसी वजह से हम देखते कि ली की नज़रों में उसके डैड अब कुछ नहीं थे। खैर, यहाँ पे हमें एक और बात पता चलता है कि ली को स्कूल से निकाल दिया गया है। मतलब कि अब वो भी बेरोजगार थी ठीक मेरी तरह। वो अपने डैड को वापस देखने के बाद कुछ ज़्यादा तो खुश होते नहीं, और उसके डैड को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। खैर, तभी हमें एक और बात बताया जाता है एंथनी के बारे में। हमें पता चलता है कि जो एंथनी है वो पहले भी एक एक्टर था, लेकिन वो नशे की वजह से उसका सभी कुछ स्किल था वो ख़त्म हो गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि एंथनी को एक नया ऑफर आता है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। मतलब कि जो एक्टर जिसकी मौत हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो एक्टर की जगह अब एंथनी को कहीं ना कहीं मिलने वाली थी, और ये मौका वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर एंथनी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो एक्टर जो कि इस रोल को निभा रहा था उसकी मौत कैसे हुई। वो मूवी के बारे में और कुछ भी बैकग्राउंड बिना चेक किए वो इंटरव्यू देने का फैसला कर लेता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अब एंथनी उसी सेट में वापस आता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ब्लैक नाम के औरत से, जो कि एक्चुअली इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर थी। यानी कि इस मूवी का जो छोटा सा कंसेप्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो एंथनी था वो एक प्रिस्ट था, और जो औरत सामने बैठी है यानी कि ब्लैक, वो विक्टिम की माँ है जिसके अंदर किसी तरह का कोई डेमोनिक स्पिरिट आई है। ये इंटरव्यू का जो कंसेप्ट था वो सिंपल था। यहाँ पे एंथनी को प्रिस्ट बनकर उसकी विक्टिम की माँ से, मतलब कि ब्लैक से बस इतना कहना था कि जो तुम्हारी बेटी है उसे बचाना पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर एक बहुत ही डेंजर डेमोनिक फोर्स आ चुकी है जिसके वजह से हमें उसके ऊपर एग्जोरिसम परफॉर्म करना होगा। एंथनी ये एक्टिंग करने का काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि उसकी एक्टिंग का काफ़ी साल पहले छूट चुकी थी, तो इसी वजह से हम देखते कि वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था। और ये चीज़ वहाँ का जो डायरेक्टर था वो उसे समझाता है। वो एंथनी से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक स्किल और टैलेंट है, तुम उसको भूलो मत, तुम्हें ये डायलॉग को और थोड़ा अच्छी तरीके से बोलना है। तुम चाहे तो अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस को याद करके ये डायलॉग को वापस बोलने की कोशिश करो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंथनी वहाँ पर उदास हो जाता है। वो कहता है कि मैं कौन से पास्ट को याद करूँ, मेरी वाइफ की मौत हुई है उसके बारे में, या फिर मैं रिहब सेंटर में था अपनी बेटी को छोड़ के उसके बारे में याद करूँ। मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस रोल को नहीं कर सकता, आपको शायद मेरे से भी अच्छे एक्टर मिल जाएंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर को काफ़ी बुरा लगता है। उसे पता नहीं था कि इतना बड़ा एक्टर यानी कि एंथनी के साथ ये सब हुआ था। वो कहता है कि सर बस एक लास्ट बार आप ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी वापस से वो डायलॉग को कहता है,
लेकिन इस बार जो उसके अंदर का इमोशन था वो बाहर निकल के आता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर को चाहिए था वो मिल चुका था। वो ये मूवी शूटिंग के लिए फाइनली एंथोनी को सिलेक्ट कर लेता है। ये सभी के वजह से हम देखते हैं कि एंथोनी काफ़ी खुश हो जाता है। वो तुरंत इसके बाद अपने घर में वापस आता है और वहाँ पर आने के बाद अपनी बेटी को सभी कुछ बता देता है, जिसके बाद उसकी बेटी के पास जैसे कि कुछ काम बचा नहीं था करने के लिए, तो वो यहाँ पे एंथोनी का मैनेजर बनने का डिसाइड करती है। और ये दोनों भी मतलब कि बाप और बेटी वो रोल की तैयारी करने लगते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दिन भी आ चुका था जहाँ पर शूटिंग होने वाली थी। एंथोनी और ली दोनों भी वो सेट में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद एंथोनी पूरी तैयारी में लग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ली थी वो ब्लैक से बातें करने लगती है। यहाँ पर ब्लैक ली को पूरा सेट दिखाती है, वो उसे वहाँ के मेन सेट को भी दिखाती है जहाँ पर वो सभी रोल होने वाले थे। और ये सेट को देख के हम पहचान पा रहे थे कि ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाले सेट है, जो कि एक कर्स सेट भी कहा जा सकता है। लेकिन ये सभी के पीछे कौन था और उसका बैकग्राउंड क्या है वो सभी तो फिलहाल हमें बताया नहीं जाता। दूसरी तरफ हम एंथोनी को देखते हैं जो कि पूरा गेटअप कर लिया था, और तभी उसकी मुलाकात एक फादर से होती है जो कि पता नहीं इस चर्च में क्या कर रहा था। वो यहाँ पे वो फादर से पूछने की कोशिश करता है कि आपका भी कुछ रोल है क्या, जहाँ पर उसे फाइनली पता चल जाता है कि फादर ये सभी चीज को मॉनिटर करने के लिए आया था। वो एंथोनी को कुछ भी झूठ बताते नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये जो मूवी का स्क्रिप्ट है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो इंसान पिछली बार ये रोल कर रहा था उसकी मौत अचानक से किसी वजह से हो चुकी है और ये चीज को मॉनिटर करने के लिए डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। खैर यहाँ पे फादर एंथोनी के प्रोटेक्शन के लिए उसे कुछ बाइबल के स्पेल कहने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही एंथोनी वो बाइबल के स्पेल को पढ़ता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो चुकी थी, मतलब कि वहाँ पे उसके नाखून से खून आने चालू हो गया था। ये सभी चीज देखने के बाद फादर को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि शायद एंथोनी की जान भी खतरे में है। लेकिन वही दूसरी तरफ एंथोनी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब उसका ड्रग्स के वजह से हो रहा है। उसकी बॉडी कई सालों से नशे में थी तो शायद अब नॉर्मल वो हो रहा है, तो ये सब कॉमन सी बातें। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि एंथोनी ये सभी बातों में ध्यान देता नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ का शूटिंग चालू हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक हो रहा था। एंथोनी का जो पहला एक्टिंग था वो सब कुछ अच्छे से हो गया था, मतलब कि उसका विक्टिम के माँ के घर में आना वो सभी शूटिंग एकदम नॉर्मल सी हो गई थी। अभी तक हम देखते हैं कि कुछ भी पैरानॉर्मल चीज हुई नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जब एंथोनी और ली वापस से अपने घर में आते हैं तो आधी रात में ली को किसी की चलने की आवाज आती है। उसे पहली बार में लगता है कि शायद उसका यह सब भ्रम है, लेकिन फिर अचानक से किसी की आवाज़ उसे आती है तो वो तुरंत आवाज़ को चेक करने के लिए बाहर की तरफ आती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, बाहर का दरवाजा भी बंद था और सभी चीज अपनी जगह में थी। लेकिन तभी अचानक से जो पानी का नल था वो चालू हो जाता है, जिसे बंद करने के लिए ली तुरंत उसके पास जाती है। और फिर उसके बाद जैसे वो हॉल में वापस आती है तो वो देखती है कि बाहर का दरवाजा किसी ने खोल के रखा है और ये दरवाजा एक मिनट पहले पूरी तरीके से बंद था। ये सभी चीज के वजह से वो कहीं ना कहीं डर रही थी। लेकिन फिर एक बार हम देखते हैं कि उसके डैड उसे दिखाई देते हैं, जो कि एक जगह पुतले जैसे खड़े थे। वो उनके पास जाती है और उन्हें होश में लाती है, जिसके बाद उसके डैड होश में आते हैं और उन्हें खुद पता नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे आए। ये सभी चीजें देखने के बाद ली को लगता है कि शायद उसके डैड नींद में चले थे, और वही हमेशा की तरह हम देखते हैं कि वो इस बात को ज्यादा गौर करती नहीं। वो अपने डैड को आराम करने के लिए कहती है और कुछ नहीं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब दूसरा दिन चालू हो चुका था शूटिंग का, जहाँ पर फिर एक बार शूटिंग होने वाला था। और ये शूटिंग का कंसेप्ट पूरा सिंपल है। यहाँ पे जो एंथोनी था उसे बस इतना कहना था कि मेरे से ये होगा नहीं, वो डेमोनिक स्पिरिट सच में शक्तिशाली है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये बात उसे अपने जूनियर कलिक से कहना था। खैर इसके बाद मूवी का शूट चालू होता है और एंथोनी यहाँ पर अपने डायलॉग्स को बोलने लगता है, लेकिन बोलते समय वो कहीं ना कहीं अटक रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पीटर यानी कि वो डायरेक्टर अब एंथोनी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है एंथोनी से कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन तुम्हें वो सभी चीज़ों से निकल के अपने फ्यूचर में फोकस करना चाहिए, तुम्हें बस इमोशनली इस डायलॉग को बोलना है और कुछ नहीं। और इस मोमेंट में हमें एक और सच पता चलता है। यहाँ पे एंथोनी के साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज भी हुई थी जिसके बारे में उसने आज तक किसी को बताया नहीं, और वो चीज जब भी उसके माइंड में आती है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और इस मोमेंट में भी वो चीज उसको याद आया था, लेकिन वो इसके बारे में किसी से भी कुछ भी कहता नहीं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर ये सभी बातें एंथोनी को समझाने के बाद जैसे वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा लाइट उसकी तरफ गिरते गिरते बच जाता है। और ये सभी चीजें देखने के बाद अब वहाँ के जो माहौल थे वो ठीक नहीं थे। सभी को एक अंदाजा मिल चुका था कि शायद पहले जैसा सीन वापस से हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। अब इसके बाद हम एंथोनी को देखते हैं जो कि अपने स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब वो अपने स्क्रिप्ट बुक को खोलता है तो वहाँ पर उसे एक वार्निंग मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें पता है तुम बचोगे नहीं। ये देखने के बाद एंथोनी मानो कि पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो अपने पास्ट के वो चीज़ को याद कर पा रहा था जहाँ पर सेम ये चीज़ उसके साथ हुआ था। और इस मोमेंट में हमें हिंट मिलता है कि ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं एंथोनी के पास्ट से कनेक्टेड थी। वो ये सभी चीज़ देखने के बाद काफ़ी डर चुका था। खैर, ये सभी बात को भुलाने के बाद वो जैसे ही अपने डावर को चेक करने के लिए जाता है तभी उसे वहाँ पर एक होली क्रॉस सिंबल दिखाई देता है जो कि रूबरूब सेम टू सेम उसके बचपन के क्रॉस सिंबल के जैसा था। बचपन में उसके पास भी ठीक इसी तरीके का सिंबल था, लेकिन अचानक से वो सिंबल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन आज इतने सालों के बाद उसे फिर एक बार वो सिंबल अपने सामने दिखाई देता है जो कि उसके लिए नॉर्मल सी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ली आ जाती है जो कि अपने डैड से पूछने लगती है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मतलब कि जब भी आप डायलॉग को बोल रहे हो तो अचानक से आप क्यों अटक जा रहे हो, कुछ तो वजह होगा वो डायलॉग सही से नहीं बोल पाने के पीछे। जिसमें हम देखते हैं कि फाइनली एंथोनी ये बात को रिवील करता है कि वो जब भी वो बाइबल के स्पेल को बोलता है तभी अचानक से उसका मुंह पूरी तरीके से खुल नहीं पाता, वो बाइबल के लिखे हुए स्पेल को बोल नहीं पा रहा है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे ली को कुछ और ही लगता है। वो कहती है कि शायद आप इतने सालों से गॉड में बिलीव नहीं करते थे तो इसलिए शायद आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसके रिप्लाई में एंथोनी कहते कि नहीं, बात कुछ और ही है। और जैसे वो पूरी बात बता पाता तभी अचानक से उसकी तबीयत डाउन हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझे अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि एंथोनी वहाँ पर अपने कमरे में नहीं बल्कि बेसमेंट की तरफ गया था। उसके डैड ने अभी एक मिनट पहले कहा था कि वो कमरे में जाना चाहते हैं, लेकिन अब वो बेसमेंट की तरफ जा रहा था जो कि काफ़ी अजीब लगता उसे भी। वो तुरंत अपने डैड के पीछे जाती है बेसमेंट की तरफ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके डैड की आवाज़ बेसमेंट की ओर से आने लगती है। वो तुरंत अपने फ़ोन में अपने डैड की आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी उसी बीच हम देखते हैं कि गलती से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। और जैसे वो अपने फ़ोन को उठाने जाती है तभी अचानक से हम उसके पीछे एंथोनी को देखते हैं जो कि अपने वश में बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक डेमोनिक स्पिरिट के वश में आ चुका था। उसकी आंखों में लिए साफ देख पा रही थी कि वो कोई डेमोनिक स्पिरिट है, पूरे आंखें वाइट हो गए थे। और दूसरी तरफ हम एंथोनी को देखते हैं जो कि ली को बहुत ही गौर से देख रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि एंथोनी ली को यहाँ पर कुछ नहीं करता, वो बस उसे घूरते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एंथोनी वापस से होश में आ गया था। लेकिन यहाँ पे ली ने जो भी अपनी आंखों से देखा था वो कभी भूल नहीं सकती। वो अपने डैड के होश में आने के बाद बहुत बार सवाल करती है कि अभी आपको क्या हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि एंथोनी कुछ भी रिप्लाई करता नहीं, वो बस अपनी बेटी की बातों को इग्नोर किया जा रहा था। इसी बीच हम उसके बॉडी में कई सारे निशान और कुछ रैशेस को देखते हैं जिससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि उसकी बॉडी अब किसी डेमोनिक स्पिरिट के वश में है और यहाँ पे शायद अब एंथोनी की जान खतरे में थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अब वापस से शूटिंग को किया जाता है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि एंथोनी वही पहले की तरह सेम मिस्टेक कर रहा था। और कॉमन सी बातें, अगर कोई प्रेत आत्मा या फिर एविल स्पिरिट आपके अंदर है तो उसके मुंह से कोई भी स्पिरिचुअल वर्ड निकलेगा नहीं। और ये चीज़ हम देखते हैं कि एंथोनी के साथ हो रहा था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के डायरेक्टर और सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंथोनी वही पहले की तरह अब पीना चालू कर देता है। वो डिप्रेशन की वजह से अब नशा करना वापस से चालू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली से कुछ सवाल कर रहा था। उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि एंथोनी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कोई डेमोनिक फोर्स है। वो यहाँ पे ली से बात निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो ली से सवाल करता है कि जो तुम्हारे डैड का बिहेवियर है वो पहले भी ऐसा था या फिर अभी हुआ। जिसके रिप्लाई में ली सब कुछ सच बता देती है। वो बता देती है फादर को कि उसने बेसमेंट में क्या देखा था और जो भी कुछ अभी हो रहा है उसके पीछे ज़रूर एक डेमोनिक एविल स्पिरिट है, मेरे डैड की जान खतरे में है।
अब इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लीक को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आती है, यानी कि एंथोनी के पास, और उसके हाथों में वो नोटिस करती है कि काफ़ी सारा खून निकल रहा था। लेकिन जब वो अपने डैड की आंखों में नोटिस करती है तो वो देखती है कि उसके डैड ने वापस नशा किया है। और इस बार हम देखते हैं कि ली ये सब देखने के बाद काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि जिस आदमी से मुझे नफरत था आखिर तुम वापस से वही बन गए, मैं तुम्हारे पास एक मिनट भी रुकूंगी नहीं। लेकिन इतना सुनते ही हम देखते हैं कि एंथोनी जोर से चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के सभी ग्लासेस अपने आप टूट जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने बेटे की तरफ जाता है और उसके पास आके कहता है कि तुम्हारे पास है क्या, ना तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारा स्कूल और ना ही कोई घर, तुम रहोगी कहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना होगा। ये सभी सुनने के बाद ली काफ़ी डर जाती है। वो अपने डैड एंथोनी से कहते हैं कि मुझसे दूर हटो, लेकिन तब जो रिप्लाई आता है उसे सुनने के बाद अब ली पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि वो कोई डेमोनिक स्पिरिट है, मतलब कि एंथोनी कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। और इसी के साथ सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। खैर इसके बाद अगले सुबह हम देखते हैं कि ली सबसे पहले वहाँ पे फादर के पास आती है, और वहाँ पे आने के बाद उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि एंथोनी अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जरूर उसके अंदर कोई डेमोनिक फोर्स है। वो बार बार बाथरूम में जाके आपस में बातें करने लगते हैं, और उनकी आवाज़ को मैंने रिकॉर्ड भी किया है। जब ली उसी रिकॉर्डिंग को फादर के सामने प्ले करती है तो उसे सुनने के बाद अब फादर भी मानो कि पूरा शॉक हो जाता है, मतलब कि तुम्हारा डैड एंथोनी किसी डेमोनिक एविल स्पिरिट को बुला रहा है, और वो डेमोन कोई मामूली नहीं बल्कि डेमोन मोलोक था। बात करें डेमोन मोलोक की तो वो मामूली डेमोन होते नहीं, अगर वो किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उसकी जान वो लेके मानते हैं। यहाँ पे फादर ली को एक छोटा सा एडवाइस देता है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ और समय चाहिए ये डेमोनिक स्पिरिट के बारे में डिटेल में पता करने के लिए, क्योंकि अगर हमें डेमोन मोलोक को हराना है या फिर उसका सामना करना है तो उसकी कमजोरी सबसे पहले पता करना होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, जब तक तुम कोई भी कदम उठाना मत। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से मूवी का सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम फादर को देखते हैं जो कि डेमोन मोलोक के बारे में पूरा डिटेल में पता कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो डेमोन मोलोक के बारे में पूरा डिटेल में पता कर रहा था, वैसे वैसे हम देखते कि वहाँ पर दूसरी तरफ जो एंथोनी था उसकी हालत ख़राब हो रही थी, जिसका एक ही मतलब था कि ये लोग के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, जो भी इन्हें करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। खैर इसके बाद हम देखते कि अब शूटिंग का अगला दिन आ जाता है, जहाँ पे फिर एक बार एंथोनी वापस से शूट कर रहा था। लेकिन वही हमेशा की तरह हम देखते कि इस बार भी एंथोनी का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ ठीक नहीं था। वो होली क्रॉस साइन को ज़्यादा देर तक अपने हाथों में पकड़ नहीं पाता, उसकी तबीयत अचानक से डाउन हो जाती है, और वो तुरंत वो साइन को वहाँ पर ही छोड़ के नीचे की तरफ भागता है। लेकिन नीचे आने के बाद हम देखते कि अब जाके डेमोनिक स्पिरिट सभी के सामने एंथोनी को अपने वश में करता है, और इस मोमेंट में हम देखते कि फादर से लेकर डायरेक्टर तक सभी कोई अपनी आँखों से देख लेता है एंथोनी को। वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने बॉडी को बैंड कर रहा था सभी के सामने। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी कि कोई भी वहाँ पर एंथोनी की मदद करने के लिए आता नहीं। ये सभी की वजह से फादर समझ चुका था कि उसके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन वो भी मजबूर था, वो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता था। जब तक डेमोन मोलोक की कमजोरी कुछ पता नहीं चलता है तब तक फादर भी कुछ नहीं कर सकता था। खैर ये सभी चीज़ें देखने के बाद अब डायरेक्टर यहाँ पर जो एंथोनी था उसे फायर करता है, मतलब कि जैसे कि उसकी हालत ठीक नहीं थी तो यहाँ पे वो शूटिंग को कंटिन्यू करने के लिए एक इंसान को हायर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर काफ़ी ढीट था, वो वापस से शूटिंग को चालू कर देता है, और इस बार हम देखते हैं कि एक नया इंसान एंथोनी का रोल निभा रहा था। लेकिन जैसे वो डायलॉग को कंप्लीट करने वाला था तभी हम वहाँ पर एंथोनी को देखते हैं जो कि एक कांच से उसकी आँखें फोड़ देता है, और ये मूवी का सबसे स्कैरी सीन था, जहाँ पर एक इंसान की मौत सभी के सामने हो जाती है। जिसके बाद अब डायरेक्टर भी समझ जाता है कि वो मूवी अब एक कर्स है, तो इसी वजह से अब वो उस मूवी का जितना भी काम था वो रुकवा देता है। लेकिन ये सभी की वजह से हम देखते हैं कि ब्लैक काफ़ी दुखी हो जाती है। ब्लैक के लिए ये मूवी बस एक मूवी नहीं था बल्कि एक इमोशन और इतने सालों की मेहनत थी जो कि बस एक पल में पूरी तरीके से तबाह हो गया। खैर इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम ब्लैक को देखते हैं जो कि ली की मदद करने के लिए उसके पास रुकी थी। जैसे कि उसके फादर के अंदर एक डेमोनिक स्पिरिट आ चुका है,
तो इसलिए हम देखते हैं कि ब्लैक उसकी मदद करने के लिए उसके पास ही आज रात रुक जाती है। लेकिन फिर एक बार हम देखते हैं कि एंथोनी के अंदर कोई डेमोनिक एनर्जी वापस आ गया था और इस बार वो ली के साथ ही साथ ब्लैक के ऊपर भी अटैक करता है। यहाँ पे ली और ब्लैक दोनों भी डर जाते हैं। वो तुरंत एंथोनी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो डेमोनिक स्पिरिट एंथोनी को अपने बॉडी में वापस आने देता नहीं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंथोनी विंडो से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन वो डेमोनिक स्पिरिट उसे मरने देता नहीं, वो अचानक से उसे गैप कर देता है। जैसे ली और ब्लैक बाहर की तरफ देखते हैं तो एंथोनी नीचे गिरा नहीं था बल्कि वो वहाँ से गैप हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और ली दोनों भी फादर के पास आते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि एंथोनी अब अचानक से गैप हो गया है। वो डेमोनिक फोर्स हमें मारने की तो कोशिश किया था लेकिन सही समय पर एंथोनी की स्पिरिट आके हमें बचा लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि फादर कहते हैं कि अब सही समय आ चुका है, अगर हमने इससे और कुछ ज़्यादा लेट किया तो वो डेमोनिक स्पिरिट हमेशा के लिए एंथोनी को अपने साथ ले जाएगा। वो डेमोन मतलब कि मोलो का कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह था कि जो डेमोन है यानी कि मोलोक, वो जल्दी किसी इंसान को अपने वश में करता नहीं। अगर वो किसी इंसान को अपने वश में किया है तो जरूर उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा। और ये बात हम देखते हैं कि फादर किसी को भी बताता नहीं, वो जानता था कि एंथोनी के अंदर कुछ तो ऐसी बातें जिसके वजह से वो डेमोनिक फोर्स उसके अंदर है। खैर तभी यहाँ पे ली पूछती है कि हमें एंथोनी कहाँ पर मिलेगा, जिसके रिप्लाई में फादर बताता है कि जहाँ से ये पूरा किस्सा चालू हुआ था वहाँ पर हमें एंथोनी मिलेगा, यानी कि उसी फिल्म के सेट में। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो तीनों भी उसी सेट में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों भी पूरे फिल्म के सेट को एक्सप्लोर करने लगते हैं, यानी कि वो सभी अलग अलग जगह में एंथोनी को ढूंढना चालू कर देते हैं। और इसी बीच हम यहाँ पर ली को देखते हैं जो कि वही मेन जगह में आ चुकी थी जहाँ पर यह सभी चालू हुआ था। ली को अपने डैड यहाँ पर कहीं भी दिखाई देते नहीं, वो सेट पूरा खाली था। तभी अचानक से ली नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बाइबल गिरा हुआ था, जिसे उठाने के लिए ली तुरंत वो सेट के अंदर जाती है। और जैसे ही ली वो सेट के अंदर जाती है तभी उसके पीछे हम एंथोनी को देखते हैं जो कि अब वो डेमोनिक एविल स्पिरिट के वश में था। यहाँ पे ली एंथोनी को देखते ही काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत बाइबल की पवित्र मंत्रों को बोलने लगती है। लेकिन तब जो होता है वो देखने के बाद सच में एक शॉकिंग मोमेंट था। यहाँ पे हम वही डेमोनिक स्पिरिट मोलोक को देखते हैं जो कि ठीक बाइबल के स्पेल को अपने मुंह से बोल रहा था। ये अक्सर होता नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि वो डेमोनिक स्पिरिट कितना खतरनाक है। जैसे जैसे ली वो स्पेल को कह रही थी वैसे वैसे वो डेमोनिक स्पिरिट भी वो स्पेल को पढ़ता है, जिसके बाद वो ली को कहता है कि तुम्हारी ये बकवास से स्पेल से तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि सही समय पर वहाँ पे फादर और ब्लैक दोनों भी आ जाते हैं और तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे फादर को पहले से पता था कि वो डेमोनिक स्पिरिट से लड़ नहीं सकता है। वो अच्छे से जानता था कि जिस डेमोन से उसका सामना हुआ है वो कोई नॉर्मल डेमोन नहीं है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फादर ली की जिंदगी बचाने के लिए वो डेमोनिक स्पिरिट से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है मोलोक से कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक नया शरीर चाहिए, लेकिन एक बार एंथोनी के बारे में सोचो, उसकी बच्ची 10 साल उससे दूर थी। तुम चाहे तो मेरे बॉडी में आ सकते हो लेकिन एंथोनी को प्लीज से छोड़ दो। वो डेमोनिक स्पिरिट इतना शक्तिशाली था कि यहाँ पर फादर भी फाइनली गिव अप कर देता है। वो एक बार भी एग्जोरिसम परफॉर्म करने के बारे में सोचता नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने गलती से भी वो डेमोनिक स्पिरिट को भड़का दिया तो उसके बाद उनमें से कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि फादर वो डेमोनिक स्पिरिट को अपने अंदर आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि फादर की बातों में आके फाइनली वो डेमोनिक स्पिरिट यानी कि मोलोक उसके बॉडी में आ जाता है। जैसे वो डेमोनिक स्पिरिट फादर के बॉडी में आता है तभी फादर को सभी कुछ सच पता चल जाता है और तब जाके कहानी में नया ट्विस्ट आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फादर ने जानबूझकर वो डेमोनिक फोर्स को अपने अंदर बुलाया था क्योंकि फादर ने हर जगह देख लिया था लेकिन कहीं से भी वो डेमोनिक स्पिरिट के बारे में उन्हें पता नहीं चलता है, जिसके वजह से अब मोलोक के बारे में जानने का बस एक ही रास्ता था जो कि उसे अपने बॉडी में बुलाना, और वही चीज़ यहाँ पे फादर ने किया था।
जैसे ही वो मोलोक का फादर की बॉडी में आता है तो फादर को पूरा सच पता चल जाता है कि आखिर वो एंथोनी के पीछे पड़ा क्यों था। और ये वही कड़वा सच था जिसके बारे में मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था। हमें पता चलता है कि एंथोनी एक अनाथ बच्चा है, मतलब कि उसका बचपन एक चर्च में गुजरा था, लेकिन वो चर्च में जो फादर था उसे हमेशा अब्यूज किया करता था। और तभी हमें ये भी बताया जाता है कि जिस चर्च में एंथोनी था वहाँ पे गॉड का नहीं बल्कि डेमोन की पूजा होती थी। वो कई बार उस नरक से बाहर निकलने की कोशिश भी किया था लेकिन हर बार वो चर्च का फादर उसे अब्यूज करता था, जिसके वजह से अब एंथोनी के दिमाग में वो ट्रॉमा हमेशा के लिए आ गया है। और यही मेन वजह था कि वो डेमोनिक फोर्स ने इसे अपना शिकार बनाया था। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब फादर के अंदर जो डेमोनिक स्पिरिट था वो अब फादर को अपने होश में आने देता नहीं। वो अच्छे से समझ चुका था कि फादर उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसका जो खेल था वो उल्टा हो चुका था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम एंथोनी को देखते हैं जो कि फाइनली अब बाइबल को अपने हाथ में उठा लेता है और वो लगातार वो स्पेल को पढ़ने लगता है। और इस बार हम देखते हैं कि बाइबल का वर्स वो डेमोनिक फोर्स के ऊपर काम भी देता है, जिससे हमें पता चल गया था कि वो डेमोन को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि एंथोनी था। जब उसकी बेटी ली ने वो सेम वर्स को कहा था तब वो बाइबल के स्पेल का असर कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन अब जब एंथोनी खुद से वो डेमोनिक स्पिरिट को रोकने की कोशिश करता है तब वो बाइबल के वर्ड्स काम दे देते हैं। एंथोनी लगातार फादर को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जैसे वो क्रॉस सिंबल वो फादर के ऊपर वो लगाता है तभी वो डेमोनिक स्पिरिट जाता तो सही है लेकिन वो अपने साथ फादर की भी स्पिरिट को लेकर चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे फादर ने एंथोनी को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाई कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डेमोन मोलोक किसी ना किसी की जान लेकर ही माना था, जिसके बाद एंथोनी ब्लैक और उसकी बेटी तो बच गए थे। खैर इसके बाद अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एंथोनी और ली वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो चुके थे। ली के मन में भी जो अपने डैड के लिए रिस्पेक्ट थी वो वापस आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हम एंथोनी को देखते हैं जो कि अब गॉड में बिलीव करना चालू कर देते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हम देखते हैं कि ये मूवी फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती है। खैर बात करें इस मूवी की तो ये एवरेज हॉरर मूवी कह सकते हैं। इस मूवी की एंडिंग में कुछ और भी ट्विस्ट आने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी भी थी ये ठीक ठाक मूवी थी। और इसी के साथ मेरा भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना POV देना भूलना मत। मिलते डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में।